5 मिनट की एक ऐसी प्रोसेस है कि जो आपको हर रोज करना चाहिए, जो मैं बचपन से कर रही हूँ, एंड आई हैव गॉट सम अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। हम जब सुबह उठते हैं, पहले एका दो घंटे में क्या करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बेसिकली एक्सटर्नली हम अपने शरीर को साफ करते हैं। बट क्या आपने कभी ये पूछा अपने आप को कि आपने बाहर से तो अपने शरीर को साफ कर लिया, बट अंदर का क्या? अंदर से हम कब अपने शरीर को साफ करते हैं? शायद ही करते होंगे। और इसीलिए भले ही भगवान ने हमें सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम दिया हुआ है, बट उसका हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। हम इतनी सारी गलत चीज़ें अपने बॉडी में डाल रहे हैं और प्लस गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है टॉक्सिन्स का शरीर के अंदर। सो उस केस में क्या करना, हमें बाहर जो क्लीनिंग हम कर रहे हैं, साथ में अंदर के क्लीनिंग के ऊपर भी फोकस करना इक्वली या थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दिन आप नहीं नहाएंगे ना, उसकी वजह से कोई इंसान गुजर नहीं जाता, उसकी वजह से उसे कोई बीमारी नहीं आती, बट वो हम हर रोज़ करते हैं। बट कोई इंसान जब अंदर ऑर्गन फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो इंसान गुजर जाता है। जब उसकी किडनी फेल हो जाती है तो वो इंसान जो है वो अच्छे से जी नहीं सकता, या यू नो उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। बेसिकली जब हम बाहर इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वो चीज़ हर रोज़ करते हैं, क्यों नहीं एक ऐसी चीज़ करें जो हर रोज़ आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन कर सके। सो ये प्रोसेस क्या है, उसका नाम है 5 मिनट का प्रोसेस जो आपको हर रोज़ करना है, उसका नाम है नाड़ी शोधन। अब नाड़ी का मतलब होता है एनर्जी सेंटर। आपके शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं और वो नाड़ी के अंदर प्राण शक्ति घूम रही है। प्राण शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई इंसान खुश रहेगा या दुखी रहेगा, डिप्रेस रहेगा या हमेशा एक्साइटेड रहेगा, कोई इंसान क्या हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा, क्या उसका चेहरा डल होगा या उसका ब्राइट चेहरा होगा। सो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप नाड़ी शोधन, शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि शुद्धि क्रिया। सो नाड़ी शोधन यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ योर एनर्जी सेंटर्स। जब आप अपने नाड़ी का क्लिंजिंग करते हैं, उसके अंदर से टॉक्सिन्स को साफ करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक ऐसी क्रिया कर रहे हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन को और अंदर से शरीर को साफ कर सके, उसे कहा जाता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का एक दूसरा भी नाम है और वो है अनुलोम विलोम। बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से कैसे करना, कितना करना, और कुछ मिस्टेक्स है कि जिससे अवॉइड करना ज़रूरी है। अब नाड़ी शोधन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ और ये क्लिंजिंग कैसे करता है, आपका जो नोज़ है उसमें लेफ़्ट और राइट नोस्ट्रल जो है उसमें से लेफ़्ट नोस्ट्रल ईडा नाड़ी होती है और ये है पिंगड़ा नाड़ी। ईडा नाड़ी वो डायरेक्टली लूनर इफेक्ट देता है, उसके साथ कनेक्टेड है, एंड दिस इज सोलर इफेक्ट। राइट नाड़ी सोलर इफेक्ट देता है और बीच में आपकी होती है सुषुम्ना नाड़ी। अब ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो यहाँ से शुरू होते 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 आपके ब्रेन तक और स्पाइन तक और स्पाइन के एंड तक वो होती है, और आपकी जो दूसरी दोनों नाड़ी ईड़ा पिंगड़ा वो एक स्नेक की तरह होती है। सो बेसिकली जब आप ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी को बैलेंस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है, आपका बॉडी, आपका क्लिंजिंग सिस्टम, सब कुछ जो है वो पावरफुल हो जाएगा। और साथ में ये जो लेफ़्ट नोस्ट्रल है, लेफ़्ट नोस्ट्रल उसमें से वो डायरेक्टली आपके राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। इन अ वे वो आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि रेस्टिंग एंड हीलिंग। जब आप रात को सो जाते हैं, आपकी जब ये वाली नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, डोमिनेंट होगी, तो चांसेस है कि आपको जल्दी से नींद आ जाएगी। जो लोगों को नींद नहीं आती है उनकी राइट नोस्ट्रल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, डोमिनेंट होती है। और राइट नोस्ट्रल सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, लेफ्ट ब्रेन के साथ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, इन शॉर्ट, स्ट्रेस में जब हम आते हैं, जब हम एंग्जाइटी में आते हैं, जब हम ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, तब आपका राइट नोस्ट्रल जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। और इसी वजह से आज ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि एक एवरेज इंसान ज़्यादातर वक्त स्ट्रेस में होता है, इसीलिए उसकी राइट नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी ज़्यादा डोमिनेंट होती है। आप चेक भी कर सकते हैं हर रोज़, जब आप पूरे दिन में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कीप चेकिंग यू नो ऐसे हाथ रखते हुए, या ऐसे ही आप सेंस कर पाएंगे कि कौन सी नोस्ट्रल में ज़्यादा एयर पास हो रहा है, और वो नोस्ट्रल आपका ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ज़्यादा डोमिनेंट होगा।
कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें आपके राइट नोस्ट्रल को ज़्यादा डोमिनेंट होना पड़ता है, जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तब आपकी लेफ्ट नहीं बट राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट होगी और डोमिनेंट होगी। बट जब आप सोते हैं, जब आप रिलैक्सिंग एक्टिविटी करते हैं, पैरासिम्पथेटिक ऑन होता है, तब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल होगी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इम्बैलेंस में। दोनों की हमें ज़रूरत है, लूनर एंड सोलर, मून एंड सन, दोनों की ज़रूरत है। बट जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जब जिसकी ज़रूरत नहीं है तब वो डोमिनेंट हो जाता है, तो इश्यू आएगा। सो, इस केस में क्या करना, नाड़ी शोधन जब आप करते हैं हर रोज़ सिर्फ एटलीस्ट 5 मिनट, तो वो आपके दोनों नाड़ी को बैलेंस में लाने की कोशिश कर सकता है, बैलेंस में लाने का प्रयत्न कर सकता है। सो, जब ये होगा उसकी वजह से आपका लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर जो है वो बैलेंस में आएगा और उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो बैलेंस होगा। हम अपने शायद थॉट्स को और इमोशंस को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जब हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर देते हैं, नाड़ी को कंट्रोल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी है वो कंट्रोल में आ जाता है, माइंड, थॉट्स, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। बिकॉज ब्रेथ इज़ द व्हीकल बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड, दोनों को कनेक्ट करता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। कैसे करना है नाड़ी शोधन? बहुत ही सिंपल है। आप इस तरह से अपने हाथ को डिवाइड कर दीजिए 3 हिस्सों में, अंगूठा, पहली दूसरी उंगली और तीसरी और चौथी उंगली। अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक सिंपल सा पहला तरीका मैं बताती हूँ, जिसमें आप ये दोनों उंगलियाँ जो हैं वो अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर रखेंगे, फोरहेड के ऊपर, बिटवीन योर आईब्रोज, यहाँ पर रखने वाले हैं। और ये दोनों जो है उसका इस्तेमाल करते हुए दोनों नोस्ट्रल को आप 1 by 1 दबाएंगे और दूसरे नोस्ट्रल से आप एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे। ओके, सो जब आप एक अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को दबाते हैं और दोनों हाथ जो है आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, तो इंस्टेंट रिलीफ का आपको फीलिंग होगा। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, पूरी हवा बाहर निकालनी है, पूरी हवा बाहर निकाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दीजिए, और फिर इनहेल कीजिए सेम नोस्ट्रल से, और पूरा इनहेल करने के बाद उसे दबा दीजिए और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, पूरा एक्सहेल कीजिए और फिर से वहीं से इनहेल कीजिए, वापस से लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल एंड इनहेल, राइट से एक्सहेल इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल इनहेल। अब ये कितनी सेकेंड होना चाहिए, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, बट आपका पूरा ब्रेथ बाहर निकल जाए और पूरी हवा अंदर जाए तब तक कीजिए। इसमें एक मेक श्योर करना है चीज़, और वो है आपका चेस्ट ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए, बेली ब्रीदिंग होना चाहिए, जब एक छोटा सा बच्चा करता है एग्जैक्टली वैसे। सो, जब आप ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं, चेस्ट नहीं फूलना चाहिए, पेट फूलेगा। सो, जब पेट फूलेगा ऑटोमेटिकली हल्का सा चेस्ट भी फूलने वाला है, बट आपका बेली पे फोकस होना चाहिए, डायफ्रेम पर फोकस होना चाहिए, वो फूलना चाहिए, राइट? एक बलून कैसे फूलता है वैसे आपका पेट फूलेगा। सो, जब आप ये करेंगे 5 मिनट तक आपको ये करना है। दूसरा इसका तरीका होता है, आप ये मुद्रा बनाइए और यहाँ पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, बट इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन या तो सेम होना चाहिए, सेम काउंट होना चाहिए, या तो एक्सहेलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा चलेगा, बट एक्सहेल कभी भी इनहेल से कम ना हो वो कोशिश कीजिएगा। मेन इसमें फोकस ये है कि जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तब आपको इमेजिन करना है कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, वो सारा बाहर ब्रेथ के द्वारा निकल रहा है। और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी, कंपैशन, लव वाला फीलिंग जो है वो आप इनहेल कर रहे हैं। व्हेन यू डू दिस विथ विजुअलाइजेशन तो वो मल्टीप्लाइड इफेक्ट दे देगा, बिकॉज जो आप सोचेंगे वही आपका बॉडी रिएक्ट करने वाला है। योर बॉडी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। सो, जब आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, उसके वेव शांत हो जाएंगे, आपका दिमाग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था वो रिलैक्स हो जाएगा। कब करना? खाली पेट करना है, बेस्ट है मॉर्निंग टाइम। सो, जब आप सुबह उठ जाए, आपका पेट खाली है, तब आप इसे ज़रूर कीजिए 5 मिनट, और आप पूरे दिन में 3 बार कर सकते हैं उसे 5-5 मिनट, बट हमेशा खाली पेट ही होना चाहिए, मेक श्योर कीजिएगा। बेसिकली ये सारी जो सिस्टम है इसमें मेन चीज़ ही ये है कि आपको वो बैलेंस में करना है, एवरीथिंग इन बैलेंस।
और अभी स्पेशली क्योंकि हम इतने ज़्यादा डर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक श्योर कि आपका बॉडी जो है वो ऑक्सीजन फ्री में अवेलेबल है, वो आसानी से ले सके. सो मेक श्योर कीजिएगा, इससे आपका जो बॉडी है, इंटरनल शरीर जो है ना, वो ना सिर्फ क्लीन होगा, उसके टॉक्सिन साफ़ हो गए, नाड़ियाँ साफ़ होगी, बट साथ में आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी. आप जब ये करते हैं ना हर रोज़, आई नो बिकॉज मैंने स्कूल टाइम से किया है, बिकॉज मेरे फादर हमेशा से, जब से मैंने जन्म शायद लिया है और समझ आई है, तब से मैंने उनको देखा है कि वो ये करते हैं, नाड़ी शोधन करते थे, और इसीलिए उनको देखकर मैंने फॉलो किया था. बट उनके चेहरे पर जब मैं देखती हूँ ना, इतना बड़ा तेज है, जब उनको मैं देखती हूँ हाई ऑन एनर्जी होते हैं, इंटरनल ऑर्गन उनके बहुत ही साफ है, वो कोई दवाई नहीं लेते, टच वुड कोई बीमारी नहीं है, बट ये सारी चीज़ जब मैं आसपास देखती हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि जिनके शरीर में एक सर्टन उम्र के बाद भी उनका शरीर बहुत सपोर्ट करता है. वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज नाड़ी शोधन या तो प्राणायाम. सो प्राणायाम तो हमने बहुत सीखा है, बट उसमें डिटेल में ये कैसे करना वो मैंने आपको बताया. ज़रूर ये कीजिएगा रेगुलरली, और ज़रूर लोगों को भी बताइए कि कैसे नाड़ी शोधन किया जा सकता है. आपको पता है फॉरेन में मेरे कुछ क्लाइंट हैं, उनको जब बताते हैं ना, या आप एनीवे देखेंगे यूएस यूके, किसी को बताइए नाड़ी शोधन के बारे में, वो पागल हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वाव कितनी अमेजिंग टेक्निक है, और करने के बाद उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दूर भी हो जाता है. उनको हमसे ज़्यादा वैल्यू है, बट हम शायद हमारे घर का ही है तो हम बहुत वैल्यू नहीं करते. लेट्स ट्राई टू मेक श्योर कि अगर फिट भारत को सही में फिट बनाना है, तो थोड़ा सा हमारी भारत की जो जो नॉलेज है उसके, वो नॉलेज को हमें फॉलो, वो ज्ञान को हमें फॉलो करना ज़रूरी है. और अपने बच्चों को भी सिखाइए, ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, 5 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है. दिस इज सच अ सिंपल प्रोसेस, राइट? नाड़ी शोधन ज़रूर कीजिए. अब ये मैंने बात की डिटॉक्सिफिकेशन की, कि बॉडी का डिटॉक्स कैसे करना. मैं इस मंगलवार को, यानी कि 18th to 22nd of May, एक स्पेशल 5 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम लेकर आई हूँ. डिटॉक्स प्रोग्राम जिसमें आप पूरा 5 दिन ऐसे होंगे, पूरा दिन अपने शरीर को रेस्ट देंगे, और साथ में फूड डिटॉक्स से लेकर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं. पूरे दिन में आप प्रोसेस्ड फूड से दूर रहने वाले हैं, जहाँ आप स्मूदी, सैलेड, जूस और सूप ही पियेंगे पूरा दिन. और उसका पूरा मील प्लान मैं आपको देने वाली हूँ, क्या खाना है सुबह से शाम तक, और वीडियोस, मेरे खुद के रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको दूंगी, लिखा हुआ दूंगी. सो बेसिकली आप जानेंगे कि अगर कोई बिगिनर भी है तो भी कैसे वो हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी बनाना, वो भी आप जानेंगे. एक ऐसा इंसान जो कभी ज़िंदगी में सैलड नहीं खाया और पसंद नहीं करता, आपके बच्चे अगर फ्रूट सैलड वगैरह पसंद नहीं करते, उनको बहुत मज़ा आने वाला है. या यू नो, एक बुज़ुर्ग इंसान जिनको भी अभी टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता, तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा. सो ये पूरा 5 दिन का कोर्स है, जिसमें एट द एंड मैं आपको लाइव मिलती हूँ. रिकॉर्डेड कोर्स है, 1 महीने की वैलिडिटी है, बट ये 5 दिन जब आप करेंगे रिकॉर्डेड की वजह से, इंडिया, यूएस, यूके, कहीं पर भी है, मॉरिशियस है, आप आसानी से उसे देख पाएंगे अपने कंफर्ट पर, अपने समय पर, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. सो बहुत मज़ा आने वाला है. अगर आपने नहीं रजिस्टर किया, लेट मी ओके लोकेश, लेट मी जस्ट राइट द लिंक. मैं यहाँ पर लिंक रख देती हूँ, ताकि जो भी लोग पूछ रहे हैं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन रजिस्टर. इट इज़ detox.fitbharatmission.com, detox.fitbharatmission.com. इस पर जाकर आप रजिस्टर ज़रूर कर सकते हैं. और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हुआ 13th, 15th तक एक यू नो स्पेसिफिक आपको मैं ऑफर दे रही हूँ, और वो बाद में उसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाने वाली है. सो बेसिकली ये 5 दिन के वर्कशॉप का वैसे वैल्यू तो 7,000 से भी वैसे ज़्यादा है, बट मैं ये सिर्फ 799 दे रही हूँ 15th तक, 7,799. एक यू नो, जब आप बाहर खाने के लिए जाते हैं, दो लोग उससे ज़्यादा पे हम कर देते हैं. सो इतनी कम प्राइस पे सिर्फ इसीलिए दे रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि जो सीरियस लोग हैं वो ज़रूर इस प्रोग्राम को मिस ना करें. थैंक यू इंद्रानी, थैंक यू सो मच मीता. एंड कैसे रजिस्टर करें? रीमा, यू हैव टू गो टू detox.fitbharatmission.com और वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. बट मेक श्योर कीजिएगा कि नाड़ी शोधन को आप 5 मिनट हर रोज ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर ऑल द स्टार्स दैट यू आर सेंडिंग, जितने भी स्टार्स आप सेंड कर रहे हैं. और आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप ये सारा जो नॉलेज है वो अपना कर रिजल्ट पा रहे हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. वर्षा एंड जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कैसे रजिस्टर करना, यू कैन गो टू detox.fitbharatmission.com, वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी. आई विल सी यू टुमारो शार्प एट 7:30, जहाँ हम लाइव गुड मॉर्निंग वर्कआउट करने वाले हैं. हैव अ वंडरफुल डे.